तो वेलकम करता हूँ आप सभी का एक और यूनिक न्यू वीडियो के अंदर। और इस न्यू वीडियो के अंदर आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइड यू 17 MB ग्राफिक्स मोड पैक विच विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर गेम। एंड ये जो ग्राफिक्स मोड पैक होने वाला है ये उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जिनका फ़ोन बहुत ज़्यादा लो एंड कैटेगरी का है और जो कि एंड्रॉयड 13 के ग्राफिक्स मोड को सपोर्ट नहीं कर पाता है। एंड्रॉयड 13 में कोई ग्राफिक्स मोड पैक अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है आप इस वाले मोड पैक को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये वाला ग्राफिक्स मोड पैक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम MB का है। और उसके अलावा जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है आपको, ये अभी गेम प्ले में दिखाने वाला हूँ सभी चीज़ें, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। वो बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है आपको, बिल्कुल वर्थ इट ग्राफिक मोड पैक होने वाला है। तो बेसिकली इस ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको ग्लो स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलने वाली है कुछ, और उसके अलावा आपको इसके अंदर टाइमसिक फाइल देखने के लिए मिलने वाली है। अब टाइमसिक फाइल जिन लोगों को नहीं पता क्या होती है मैं उन लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो टाइमसिक फाइल जो है बेसिकली आपके लाइट्स एंड आपके जो ग्राफिक्स है उनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देती है। तो अगर आप टाइमसिक फाइल को अपने गेम के अंदर डालते हो तो आपका गेम इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है प्रीवियस वाले GTA San Andreas से। तो एक्चुअल में व्हाट आई थिंक कि अगर आप इस वाले ग्राफिक्स मोड पे के साथ जाते हो आपके गेम में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएंगे, कुछ हद तक आपके इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। बट हाँ, कार्ड्स आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगी। इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू स्पोर्ट्स कार्ड्स इन योर गेम देन यू हैव टू ऐड योरसेल्फ। और अगर आप ऐड नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको GTA San Andreas के इस वाले ग्राफिक्स मोड पे के अंदर स्पोर्ट्स कार्ड्स नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफिक्स मोड पैक बहुत ही छोटा सा है। और इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर अगर आप इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, खुद से आप अपने कार्ड्स को यहाँ पे इस गेम के मोड पैक के अंदर डाल करके इसको बहुत अच्छा कर सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। बट राइट नाउ व्हाट आई थिंक ये वाला ग्राफ वर्थ इट है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको इस वीडियो में इंस्टॉलेशन भी दिखाने वाला हूँ। सो जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना। एंड लेट्स गो टू दी गेम प्ले। तो सबसे पहले आपको फाइल मिल जाएगी, सिंपली फाइल पे यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आप जैसे ही फोल्डर में जाओगे आपको फाइल को डाउनलोड करके एंड एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना रहेगा AER। बहुत ज़्यादा अजीब पासवर्ड है, आई डोंट नो ये मैंने क्यों रखा है, इसका क्या मतलब है। यही पासवर्ड है गाइस, ओके। तो इस पासवर्ड को डालने के बाद ओके करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में जाएंगे, कॉम्प्यूटर रॉकस्टार गेम प्लॉट GTA SA के फोल्डर में जाएंगे। जितनी भी फाइल्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ से जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद डिवाइस स्टोरेज एंड्रॉयड में, डेटा में, एंड यहाँ पे com.rockstargames.gta SA का फोल्डर ढूंढना है। क्योंकि मेरा एंड्रॉयड 13 है तो मैं डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकता वरना इशू आ जाएगा, ठीक है। देखिए गाइज ये रहा GTA San Andreas का फोल्डर, ओपन करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे एरर आ गया है। और अक्सर एरर आता है एंड्रॉयड 13 में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम वापस से उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने फ़ाइल को डाउनलोड किया है। और उस फाइल में जाने के बाद में हम अगेन से यहाँ पे सारी फाइल को सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके एंड डिवाइस स्टोरेज में जाके एंड्रॉयड में जाके डेटा के अंदर जा कर के हम यहाँ पे जो है यहाँ पे आने के बाद में वापस से फोल्डर को फाइंड करेंगे एंड अगेन से हम पेस्ट करेंगे एंड अगेन यहाँ पे अप्लाई टू ऑल फाइल्स में रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पे हमारे फाइल्स जो है पेस्ट हो जाएगी, ईजिली पेस्ट हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये आपको 2 बार कर देना है, अगर आपका 1 बार में नहीं होता है 2 बार में डेफिनेटली हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे हो चुका है। एंड यहाँ पे गेम में आ जाने के बाद में स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे एंड हमारा गेम जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। और अभी देखते हैं कि हमारा गेम यहाँ पे ओके लोड तो हो चुका है, देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं। वैसे मुझे लगता है लाइटिंग वगैरह में बहुत चेंजेस होंगे, वाइट लाइट आ गई है, ओके ये सेटिंग की वजह से हुआ है। हम सारी सेटिंग्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाई कर देता हूँ मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग, आप सेटिंग को थोड़ा कस्टमाइज़ करोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेटिंग को थोड़ा सा हाई कर दिया एंड यू कैन सी नाउ कि हमारा जो ग्राफिक्स मोड पैक है, जो हमारा छोटा ग्राफिक्स मोड पैक है वो यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमें स्काई बॉक्स में थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं और शेडोज़ में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है। तो हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे कार को लेकर के और फिर हम चलते हैं, फिर हम देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल्स भी आपको बहुत डिसेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ऑफ फूड कर देता हूँ एंड ऑफ फूड करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सेट टाइम की जो है स्क्रिप्ट ऐड नहीं करी है, तो मैं वो ऐड करके और इसमें टाइमिंग चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो अभी आई एम बैक विथ टाइम चेंजिंग वाले स्क्रिप्ट और सेट टाइम पर क्लिक करके हम टाइमिंग को चेंज करेंगे। एंड यहाँ पर लाइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिख सकती हो क्या आ रहा है। मैं यहाँ पर ऑफ फूड करके एक बार और कार्ड्स को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इट कुड बी एनी व्हीकल, यहाँ पे जस्ट हम यूज़ करके एंड वी विल सी द ऑल द लाइट्स। एज यू कैन सी द लाइटिंग इज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड हैज़ प्रीवियस मॉड पैक। तो अभी आप देखोगे लाइटिंग इज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड देन प्रीवियस गेम और काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मून भी यहाँ पे दिख रहा है और उसके अलावा जो लाइटिंग्स वगैरह है ऑल द लाइटिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड एंड बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन यार आप एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हो क्योंकि 17 MB का मोड पैक है। इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग इट वुड बी वेरी अमेजिंग। और यहाँ पे रोड टेक्सचर्स में मेरे को ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ अगेन जिस अकॉर्डिंग इसका साइज़ है उस अकॉर्डिंग इट इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये। और लाइटिंग के मामले में आई थिंक ये एक नंबर मोड पैक होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और उसके अलावा आप जो है अपने अकॉर्डिंग गेम के अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अरे यार इनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे स्काई बॉक्स हो गया, आपके स्पोर्ट्स कार्ड्स हो गए, वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर। और आपका बेसिकली जो ये टाइम स्क्रिप्ट है, बेसिकली टाइम स्क्रिप्ट है, तो ये जो टाइम स्क्रिप्ट है उसमें आपके और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकते हैं और आप एक अच्छा ग्राफिक्स मोड पैक जो है क्रिएट कर सकते हो खुद से। अगर आप इस वाले मोड पैक के अंदर आप अपने बनाए हुए कार्ड्स या अपने कुछ डाउनलोड करे हुए कार्ड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो। 17 MB का मोड पैक है, बहुत ज़्यादा लो एंड डिवाइस अगर आपका होता है जिसमें कोई मोड पैक सपोर्ट नहीं करता है या एंड्रॉयड 13 में परेशान हो गए हो, मोड पैक चला के क्रैश हो रहे हैं, ये वाला मोड पैक आप लोगों के लिए, इसको ट्राई करो। बहुत ज़्यादा लाइट एंड मोड पैक है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो आई थिंक ये मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जो कि जिनका फ़ोन इज़ नॉट दैट मच गुड, जो कि अच्छा ग्राफिक मोड पैक चला सके और जिनके मोड में गेम क्रैश कर रहा है, तो यार ये वाला यूज़ करो बिकॉज इट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। और यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्काई बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल्दो आपको इतने चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल लुकिंग में आपका जो गेम है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and also press bell notification icon for the latest updates, and I'll see you in the next video. Thank you so much again and bye.